Assalamualaikum दोस्तों, welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely fine. तो finally दोस्तों, आज जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे hints दे दी थी, काफ़ी सारे लोग जो मुझे Instagram पे follow करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता चल गया था कि भाई Mark II आने वाली है आप लोगों ने, तो अभी आप लोगों को पीछे दिख रही होगी. तो अभी इसके रेट वगैरह और सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि भाई क्या है, कौन सा इंजन है, क्या है सारी चीज़ें. तो मॉडिफाई गाड़ियाँ जिन लोगों को बहुत शौक है रखने का, ड्रिफ्टिंग वगैरह का और ये सारी चीज़ें, यानी कि स्पोर्ट टाइप गाड़ियाँ रखने का शौक है, तो वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है. तो ये भी गाड़ी मेरे पास आई है, तो देखते हैं अभी इसको, पहले गाड़ी को पूरा देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फाइल वगैरह कंप्लीट है, CPLC वगैरह, इंजन कैसा है. तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आप लोगों को देते रहें. तो अभी चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं गाड़ी. तो अब आ चुके हैं गाड़ी की तरफ, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आपको देते रहें. तो सबसे पहले तो आपको इसमें मिल जाते हैं चारों हेडलाइट्स पर आपको रिंग्स मिल जाएंगे. इस पर गाड़ी का सामने से लुक देखें, बहुत बेहतरीन सा आ रहा है. जॉन विक वाला जो है वो इसमें लुक दिया है, जो मस्टैंग यूज़ हुई थी अपना जॉन विक में. तो गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी सी है भाई, आप देख सकते हैं साइडें वगैरह बिल्कुल क्लियर हैं गाड़ी की, और ग्लास जो है वो टिंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा टिंट होते हैं. तो अभी जो है वो सारे डिटेल्स जो है वो हम इनके ऑनर से जो है वो मालूम करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिटेल हासिल कर लें. तो Mark II है 73 का जो है ये मॉडल है. तो इसकी बैक साइड आप देखें तो बैक साइड कुछ इस तरीके से दिख जाती है, और इंजन वगैरह और जो सारी चीज़ें हैं वो भी अच्छा है इसका, क्योंकि 3SFP इंजन है. तो बाकी ये क्या, अभी जो इनके ऑनर हैं वो ज़्यादा हमें सही गाइड करेंगे और सारी चीज़ें दिखाएंगे. तो बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट्स वगैरह डाल दूंगा गाड़ी के, जो अच्छे से आप लोगों को दिख जाएंगे. तो अभी जल्दी से चल लेते हैं इंटीरियर की तरफ और देख लेते हैं इंटीरियर किस तरीके से जो है आप लोगों को इसका दिख जाता है. तो सबसे पहले जब आप इंटर होते हैं तो इसमें लगे हुए हैं इमोजीज, और इस तरीके से ये आपको दिख जाते हैं. और जब बात करें मीटर की, तो इस तरीके से आपको इसका डैशबोर्ड वगैरह और सारी चीज़ें दिख जाती हैं. और स्टेयरिंग इसमें जो है मोमो का लगा हुआ है, या मोमो की कॉपी है, जो भी है वो जो है आपको वो जो ऑनर हैं वो बता देंगे. और सीट्स वगैरह देखें तो सीट्स वगैरह बिल्कुल अच्छी सी इन्होंने मेनटेन करके अच्छी सी साफ़ सुथरी सी बिल्कुल रखी हुई हैं. बैक साइड पर आपको मिल जाते हैं दो स्पीकर, जो कि बिल्कुल अच्छी साउंड क्वालिटी आप लोगों को दे देते हैं. और नीचे देखें तो आप लोगों को पूरी गाड़ी जो है वो क्लियर है, कोई रस्टी वगैरह नहीं है, गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, और दरवाज़े वगैरह बिल्कुल क्लियर हैं इसके, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा. तो अभी जल्दी से बढ़ जाते हैं दूसरी साइड पर, कोशिश करते हैं कि दूसरी साइड भी आपको अच्छे से दिखा दें. तो ये LED लाइट्स वगैरह भी आपको जलती हुई दिख रही होंगी. तो ये जब आप थोड़ा सा शुरू में मैंने वीडियो जो डाली है, जो सिनेमेटिक्स लुक्स जो इसके थोड़े बहुत डाले हैं, वो आप लोगों को दिख गए होंगे कौन कौन सी LED हैं और क्या हैं. तो फिर भी कोशिश करते हैं कि डिटेल हम लोग सारी जो है वो गाड़ी पूरी देख लेते हैं. तो रेट वगैरह तो अभी आप जब इसके सुनेंगे तो फिर आप लोग को ज़्यादा सही डिटेल में पता चल जाएगा. जो लोग रखते हैं पुरानी गाड़ियाँ और बनाते हैं गाड़ियों को, तो वो देखेंगे तो उनको ज़्यादा आइडिया होगा, क्योंकि इतनी साफ़ गाड़ी, इतनी पुरानी गाड़ी जो है वो आजकल कोई रखता नहीं है, और जो रखते हैं फिर वो जाहिर सी बात है डिमांड उनके हिसाब से होती है. तो अभी चलते हैं जल्दी से हम इनके ऑनर के पास और ऑनर से लेते हैं सारी डिटेल्स. तो अभी हम चलते हैं. तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं जानदेव भाई. तो ये जानदेव भाई की गाड़ी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जानदेव भाई हमें बाकी सारी जो है वो डिटेल्स देंगे गाड़ी के बारे में. तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स जो है हम वो जानदेव भाई से ले लें गाड़ी के बारे में. तो जानदेव भाई, सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा इसका इंजन कौन सा है, इसमें सस्पेंशन वगैरह में कोई काम, और इंटीरियर वगैरह का क्या हिसाब किताब है. तो आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स जो है वो गाड़ी की मुझे दे दें. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ इंजन का. इंजन जो है इसमें मैंने लगाया है 3SFE 2000 CC होता है, 193-194 हॉर्स पावर जो है. अच्छा जानदेव भाई, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि ये ड्रिफ्टिंग के लिए काफ़ी मशहूर है गाड़ी, तो ये 3SFE पे, क्योंकि ये ऑटो ट्रांसमिशन है, तो क्या ये डोनट्स वगैरह बनाती है? बिल्कुल, ये डोनट्स बनाती है, क्योंकि असल में ऑटो ट्रांसमिशन लगा हुआ है 3SFE. मैं जैसे बता रहा था कि 193-194 हॉर्स पावर जो है आगे जो है प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ मैंने इसको ऑटो ट्रांसमिशन डाला है ताकि डिजी ड्रिवन है, और फिर उसके साथ जो है मैंने उसको ऑटो ट्रांसमिशन, साधारण ट्रांसमिशन नहीं डाला, जैसे SUV का होता है इस तरह का ट्रांसमिशन डाला, किकबैक. अगर आप विकीपीडिया, यूट्यूब, जिसको नॉलेज नहीं है वो अगर पढ़े तो उसको आसानी हो जाएगी कि किकबैक क्या होता है. किकबैक में ये होता है कि आप जिस गियर पर ट्रैवल कर रहे हैं, आपने एक्सेटर पैंडल गैस जैसे ही देंगे, एक गियर पीछे आ जाएगा. एक गियर पीछे देने पर ये होगा कि फ़ौरन जो है गाड़ी अपना जो है पिकअप डबल कर देगी, टॉर्क डबल कर देगी, और गाड़ी एकदम से शूट पे आ जाएगी, जिसके वजह से टायर रोल पे आता है और वहीं डोनट्स बनाना या साइडवेज देना आप शुरू कर देता है. ठीक है जानदेव भाई, आपने ये मुझे बताया इसका इंजन वगैरह के बारे में सारी जो है वो डिटेल्स दी. बाकी ये कि आपने जानदेव भाई, जैसा कि मैंने देखा इसमें आपने अच्छा सा जो है वो लुक दिया हुआ है गाड़ी का, काफ़ी अच्छा सा लुक दिया हुआ है, तो ये कौन सी गाड़ी से आपने इंस्पायर होकर दिया गाड़ी का, तो थोड़ा सा वो भी हमें डिटेल में बता दें. एक मैंने इसका दिया है थोड़ा सा डॉज की तरह, हल्का फुल्का सा जो है डॉज की तरह दिया है, इसके रिंग्स वगैरह हेडलाइट के डॉज की तरह दिए. बाकी जो हुड पिंस वगैरह हैं इसका स्टाइल मैंने थोड़ा सा, इसको ये थोड़ी थिन होती है, इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती.
इसको जो है थिक करा है थोड़ा ताकि प्रोमिनेंट हो, और उसके अलावा मैंने इसका थोड़ा सा दिया है, जैसे आप देखेंगे जो यूज़ करी है जॉन विक में यूज़ करी है, कलर भी मैंने उसी कंट्रास्ट पे उठाया है, मैट ब्लैक के स्ट्रिप्स हैं जैसे देख सकते हैं, और ग्लॉसी जो है वो गन मेटालिक कलर है, और काफ़ी ज़्यादा आम कलर में ज़्यादा ग्लॉस ऐड करा था ताकि ग्लॉसी ज़्यादा है, शाइन ज़्यादा है। बाकी जो है इसका विंड स्क्रीन वगैरह टिंट है, जैसा कि एहसान आपको बता चुके हैं बाकी चीज़ों के बारे में। अच्छा, तो जानदेव भाई इस एक और चीज़ मैं मालूम करना चाहूँगा कि ये सबसे पहली बात तो ये कराची नंबर प्लेट है? बिल्कुल, ये कराची नंबर प्लेट है। ठीक है, बाकी इसके पेपर्स वगैरह में कोई यानी कि पूरे हैं, यानी कि कोई इसमें कमी वो तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है पेपर्स वगैरह में? नहीं, पेपर्स अगर इसके बिल्कुल कम्प्लीट हैं, पुरानी गाड़ियों के पेपर्स संभालने मुश्किल होते हैं, गाड़ी तो खैर संभल ही जाती है, पेपर्स कम्प्लीट हैं, टिकली नंबर प्लेट ईच एंड एवरीथिंग इसकी कम्प्लीट है। ठीक है जानदेव भाई, अपना ये बाकी आपने इंट्रोडक्शन दिया गाड़ी का काफ़ी अच्छा था, जो है वो हमें लगा कि गाड़ी भी बहुत अच्छी थी, आपने साफ सुथरी रखी हुई है। बाकी आप ये कि आप इसकी कॉस्ट वगैरह क्या, डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ये भी हमें गाइड कर दें, क्योंकि इन गाड़ियों की जाहिर सी बात है डिमांड ऐसे तो होती नहीं है, क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, इनको जाहिर सी बात है जितनी डिटेलिंग में लाया जाए, जितना अच्छा सा करा जाए, उस तरीके से इसकी डिमांड होती है, तो थोड़ा सा हमें गाइड कर दें इस बारे में भी कि क्या डिमांड वगैरह कर रहे हैं आप। बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि ये गाड़ियाँ मार्केट्स में नहीं है, इसकी कोई जो है मार्केट वैल्यू नहीं है, मतलब कोई पूछता नहीं है इसको अगर रिस्टोर नहीं हुई है। पहली बात ये, आपको गाड़ी बहुत कम मिलेंगी कराची में, नहीं है ये, बहुत कम है, और अगर हैं तो उसकी कोई डिमांड नहीं है, बहुत टूटे हुए पैसों में मिल जाती है, लेकिन ये बिकती है अपने खर्चे के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रिम तकरीबन अराउंड 2 लाख के करीब रिम लिया है, 1.5 लाख तक तकरीबन इंजन गियर कार्ड ईसीयू जो है सब कुछ मिला माउंट वगैरह होने के बाद, पेंट वगैरह अगर लगा लेते हैं 40-50 हज़ार रुपये पेंट का लगा लें, 20-30 हज़ार रुपये कलर के लगा लें, बाकी इंटीरियर एक्स्ट्रा चीज़ें लाइट्स वगैरह लगभग ये मुझे पहुंची है तकरीबन 5 लाख 5.25 लाख के करीब। अच्छा जानदेव भाई, ये आपको तकरीबन 5.25 लाख तक की जो है वो पड़ गई है गाड़ी, और माशाल्लाह से गाड़ी बहुत अच्छी है जैसा कि मैंने डिटेलिंग में दिखाया अपनी वीडियो में। तो जानदेव भाई, अभी आप इसकी डिमांड रिसेंटली क्या कर रहे हैं? इसकी मैं फ़ाइनल जो डिमांड कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ तकरीबन 5 लाख 25 हज़ार रुपये, ताकि इसकी डिमांड क्या जो पैसे इस पर लगे हैं वो कैश हो जाए और मुझे नया प्रोजेक्ट मिल सके बनाने के लिए। वैसे मेरे पास और भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप अंदर, एक ये मार्क टू खड़ी है, एक जो है वो 76 करोला खड़ी है, लेफ्ट हैंड है, ये इम्पोर्ट है पाकिस्तान में, कराची के अंदर लेफ्ट हैंड नहीं आई है, ये लेफ्ट हैंड खड़ी है मेरे पास, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ड्रिफ्ट प्रोजेक्ट फुल ड्रिफ्ट स्पेक्स पे ये तैयार होगी। लेफ्ट हैंड पे ये होता है कि राउंड अबाउट वगैरह अगर आप लेफ्ट साइड से जितना बहुत अच्छा आपको जो है अंदाज़ा हो जाता है, ये राइट हैंड पे तो ज़्यादातर लड़के आप देख सकते हैं घुमाते हैं राउंड अबाउट वगैरह के गिर्द घुमाते हैं, तो उस पर ये होता है कि राइट हैंड पे तो आसानी से घूम जाते हैं, लेफ्ट हैंड पे थोड़ी सी उनका प्रॉब्लम होती है, बोथ साइड नहीं कर सकते। अगर किसी को लेफ्ट हैंड पर ट्रेनिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो वो लेफ्ट हैंड गाड़ी पर ज़्यादा होता है। ये हमारे एक दोस्त हैं अली, उनके लिए तैयार हो रहा है प्रोजेक्ट, ड्रिफ्ट स्पेक्स पर तैयार हो रहा है, और अभी वो बिगनर लेवल पे हैं, तो इसका जो है नॉर्मल इंजन अभी डाला गया है, और बाकी एक दो मार्क टू और हैं वो जो है सेल हो चुकी हैं। एक जो है 5VZ पे मेरे पास खड़ी है 6 सिलेंडर। अच्छा। वो जो है बहुत एक्सपर्ट लेवल पे है, वो बिगनर्स के लिए नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, उसको जो है मैंने टोयोटा सर्फ का इंजन डाला हुआ है 3400 cc, और उसको अच्छा, जानते भाई वो जो गाड़ी है वो कभी हम देख सकेंगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल इंशाल्लाह, होपफुली आप वो गाड़ी बिल्कुल रेडी है और डेली ड्रिविन पे, उसको आप बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होपफुली आप देख सकें, वो मैं आपको रिव्यू के लिए दे दूंगा। तो जैसा कि अभी हम थे जानदेव भाई के साथ, तो जानदेव भाई ने पूरी डिटेल दी गाड़ी की, आप लोगों को डिमांड वगैरह जो है वो बता दी है, पूरा गाइड कर दिया है। तो अब ये है कि जानदेव भाई का कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, अगर गाड़ी अवेलेबल होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आज रात को इंशाल्लाह ये अपलोड कर दूंगा मैं वीडियो आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी अपलोड कर दूँ ये वीडियो। तो ये वीडियो इंशाल्लाह आपको जो है वो जिस दिन भी मिलेगी तो उस दिन अवेलेबल होगी गाड़ी, फिर ये कि देखें अगर अवेलेबल नहीं होगी तो फिर आपको जानदेव भाई का नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। तो जानदेव भाई का शौक है काफ़ी ज़्यादातर जो है गाड़ियाँ इनके पास मॉडिफाइड होती हैं, सारी गाड़ियाँ सारी डिटेल होती हैं, तो कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह हम लोग जो है और गाड़ियाँ जो है वो ऐड करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।